सबको जय यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए हम लोग ईश्वर की वचन सुनने के लिए तैयारी हो जाए। इन दिनों हम लोग देखते हैं हमारी संसार की परिस्थितियों में, चारों तो सारा संसार भर में लोग डरे हुए हैं, डर के मारे डरते डरते सब लोग जीवन जी रहे। इस दिन में हम लोग जानते हैं कि इन दिनों में सारा संसार भर में महामारी की महामारियों की वजह से लोगों के जीवन में डर छा गया है, पर हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, डरिए मत, मैं तुम लोगों को मुक्त किया है, मैं तुम लोगों को अपना प्रजा के रूप में अपनाया है। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 1 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, हम लोग जो डरने वालों को प्रभु यीशु का ये संदेश है कि डरिए मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हम लोग इस दिनों में हम लोग इस परिस्थिति में डरने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 37 का वचन संख्या 4 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि हम लोग इस संसार की परिस्थितियों में अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इसी दुख के घड़ियों में और इस महामारियों के दिनों में हम लोग प्रभु के साथ रहकर प्रभु में आनंद मनाना है। डरने का दिन नहीं बल्कि प्रभु के साथ एक होने का समय आ गया है। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग जिस चीज़ के ऊपर डरते हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में विनाश का कारण बन जाएगा। सूक्ति का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, डरो, जिस चीज़ के बारे में तुम लोग डरते हो तुम्हारे उत्पाद वही तुम्हारे सिर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के जीवन में जब इस समय इस परिस्थितियों में ये बुरी दिन आया है तो इस बुरी दिनों में डरने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के साथ संयुक्त होने का दिन है। हम लोग जानते हैं इस संसार में इस महामारी की वजह से सब कुछ हमारे जीवन का काम काज में ठप आ गया है। हमारे लिए ये दुख का दिन नहीं है कि काम काज बंद हो गया है, इसलिए हम लोगों का जीवन में संकट का भारी नहीं आना है, बल्कि हम लोगों को ईश्वर ने ये मौका दिया है कि काम काज बंद होने की वजह ये है कि हम लोग प्रभु यीशु के साथ एक हो जाएं और प्रार्थना का समय बढ़ा सकें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जब हमारे जीवन इस तरह दुख आता है तो हमें प्रभु को बुलाने का समय है। जब शिष्यों के जीवन में इस तरह की भयंकर तूफानी आया था, जब समुद्र में जा रहे थे तो समुद्री तूफान उठा था, तब प्रभु यीशु के शिष्यों ने डर गए थे और प्रभु ईसा के पास आकर बोलने लगे, प्रभु हमें बचाइए क्योंकि हम लोग डूब रहे हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 का वचन संख्या 25 और 26 में शिष्य लोग प्रभु ईसा के पास आकर कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं। तब प्रभु ईसा ने उठ कर कहते हैं उन लोगों को, अल्पविश्वासियों, तुम लोग क्यों डरते हो? और ये बात कहने के बाद समुद्री तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने आदेश देते हैं और तूफानी रुक जाता है। हमारे जीवन में भी अभी ये समय आ गया है कि हम लोग भी हमारे जीवन में इस दुख के समय में प्रभु के पास आकर प्रभु को बोलना है कि प्रभु हमें बचाइए, हम लोग मर रहे हैं। तो प्रभु भी हम लोगों को यही कहता है कि अल्पविश्वासियों, तुम लोग इस महामारी देखकर डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दुख के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इस बातों में हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये दुख हमारे विनाश के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन की परिवर्तन के लिए आया है। क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम लोग पाप किया है तो और पाप मत करो। प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 21 का वचन संख्या 1 से लेकर 4 तक के वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलता है, पुत्रों, यदि तुम लोग पाप किया है, यदि पाप किया है तो और पाप मत करो, बल्कि तुम्हारे पुराने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। पाप से सांप को देखकर जैसे दूर भागते हो, उसी तरह पाप से तुम लोग दूर भागो, क्योंकि पाप के पास जाओगे तो तुम लोगों को काटेगा, क्योंकि पाप की दांत सिंह की तरह है। हर एक पाप दुधारी तलवार की तरह है जो मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करता है। हम लोग इस वचन को सुनने के बाद हमारे मन में अपने आप को जांच पड़ताल करना है कि ये बीमारियां क्यों आया है, ये डरावना के ज़िंदगी हमारे जीवन में क्यों आया है, क्योंकि ये हमारी पाप का दशा है।
यदि हम लोग अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें अपने पाप से मुक्त करेगा और ये महामारियाँ और ये बीमारियाँ दूर कर देंगे। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 55 का वचन संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपनी बुरी विचार छोड़ दे और प्रभु के पास लौट आए। और हम लोग जानते हैं, हम लोग सबके साथ पाप किया है और ईश्वर के प्यार से वंचित हो चुके हैं। इसलिए अभी इस समय है कि हम लोग अपना मन परिवर्तन करें, अपने बुरी विचार छोड़ दें, पाप छोड़ दें, कुमार्ग छोड़ दें और प्रभु के पास लौटें। जब हम लोग प्रभु के पास लौट आएंगे तो हमारी पापों से प्रभु हमें मुक्त कर देगा और इस बीमारियों से हमें मुक्ति दे देंगे। ये प्रभु का वचन है और प्रभु का कहना है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं उनकी आत्मा कभी विनाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहते हैं टोबित के ग्रंथ अध्याय 12 का वचन संख्या 10 में, जो पाप और अन्याय करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। तो दुनिया की इस परिस्थिति में हम लोग अपने आप को जांच पड़ताल करना है, ईश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं सुनता है, ईश्वर हमें दंड देता है। ईश्वर हमें कभी दंड नहीं दे सकता है। ईश्वर ने कहा है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 का वचन संख्या 19 में कहता है, तुम्हारी पाप ने तुम्हें दंड देता है, तुम्हारी पाप ही तुम्हें मरता है। तो आज हमारे जीवन के परिस्थिति का कारण है हमारी पाप। प्रभु हमें बताते हैं कि हमारी पाप की वजह से हमारे जीवन में हमें दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर में इतना बड़ा ज्ञानी दुनिया होने के बावजूद भी इस बीमारियों के लिए, इस महामारियों के लिए, कोरोना वायरस के लिए कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रभु ने कहा है पापियों का कोई इलाज नहीं है। जो पाप तुम लोगों को मारता है उस पाप का कोई इलाज नहीं है। तो इस बीमारियों का भी कोई इलाज नहीं है। प्रवक्ता की ग्रंथ में ही लिखा हुआ है अध्याय 21 का वचन संख्या 4 में लिखा हुआ है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोगों का इस बीमारी का इलाज नहीं होने के वजह यही प्रमाणित करता है कि हमारी पाप की वजह है ये। हमारे पाप का कोई इलाज नहीं है, हमारे पाप का एक ही इलाज है जो हमारा मन परिवर्तन करना है। तो आइए हम लोग सब कोई अपने आप पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौटें और क्षमा प्रार्थना मांगें ताकि प्रभु हमें क्षमा करें और इस महामारियों से, विपत्ति और संकट के दिनों से हमें मुक्त कर सकें। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय ईश्वर।